Hi everyone and welcome back to another vlog and a whole new travel series. So we are currently at the Indira Gandhi International Airport, Delhi. और इस बार हम लोग उस कंट्री जा रहे हैं जो यूजुअली लोगों की ले ओवर स्टॉप्स होती है. इस बार हम लोग मलेशिया जा रहे हैं और ये ट्रिप और भी ज़्यादा स्पेशल इसलिए है बिकॉज आई एम टेकिंग माई मदर ऑन हर वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप. मम्मी आर यू एक्साइटेड? या सो लेट्स गेट दिस सीरीज स्टार्टेड. हमने बाटिक एयरलाइंस की फ़्लाइट बुक करी थी फ्रॉम दिल्ली और जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी 10,000 रुपीज़ पर पर्सन और उसमें मैंने 2,500 का एक्स्ट्रा 20 kg लगेज इंक्लूड करवाया था बिकॉज उस प्राइस पे बैगेज वॉजेंट इंक्लूडेड इन द टिकट. एयरपोर्ट पहुंचते से ही मैंने सेलकॉम नेटवर्क की सिम खरीद ली थी. मुझे 49 रिंगिट्स की वो सिम पड़ी जिसमें 75 GB डेटा इंक्लूडेड था. एयरपोर्ट से कैब करके हम अपने होटल चले गए एंड होटल में चेक इन हमारा लेट था इसलिए हम लोग सबसे पहले अपनी पहली अट्रैक्शन पे चले गए. तो आज का हमारा पहला स्टॉप है एक्वेरिया KLCC. ये KL सेंट्रल जो कि कुआलालंपुर का डाउनटाउन है वहाँ से सिर्फ 10 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पर है. ये एक्वेरिया हर दिन खुलता है फ्रॉम मॉर्निंग 10 AM टिल 6 PM. और आपको एक राज की बात बताऊँ, अगर आप इसकी यहाँ पे वीकडे की टिकट्स बुक करते हो तो वो आपको कंपेरेटिवली सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप वीकेंड पे टिकट्स बुक करो. इसकी टिकट्स बहुत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बुक हो सकती है. हमने ऑनलाइन करी थी फ्रॉम दी वेबसाइट कॉल्ड एज क्लूक, पर क्लूक के अलावा आप हेड आउट और थ्रिलोपीडिया से भी ये टिकट्स ईजिली बुक कर सकते हो. और इनको डेडलीस्ट फिश भी कहा जाता है. इनकी जो जॉज और इनके टीथ इतने शार्प होते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से ये स्केलेटन के अंदर से भी सब कुछ निकाल के और खा जाती है. Underwater tunnel, which is also known as the life of the ocean, is definitely a must check out place. It to pura fully air conditioned hai aur bahar itni tez dhoop hai ki yahan pe aake aapko bahut acha lagega. Dusra, sharks, manta rays, stingrays, turtles, har tarike ki variety yahan pe aapko mil jayegi. So it's a must visit. And specially agar aapke sath bacche hain to unka to din ban jayega yahan pe. और यहाँ पे ऊपर देयर इज अ सुवेनियर शॉप ऑल्सो जहाँ पे आप गिफ्ट्स खरीद सकते हो. कुआलालंपुर में हमने हमारा स्टे आइबिस होटल विच इज लोकेटेड एट द KL सेंट्रल जो कुआलालंपुर का डाउनटाउन है वहाँ पे ये होटल की लोकेशन है. और इस होटल की लोकेशन से जितने भी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं चाहे फिर वो पेट्रोनास ट्विन टावर्स, KLCC टावर, एक्वेरिया, सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर है. नहीं तो बाय ग्रैब इट टेक्स अबाउट 5-7 मिनट्स टू रीच दीज टूरिस्ट अट्रैक्शंस. और जो हमारा रूम है वो 22nd फ्लोर पर है तो मैं आपको फटाफट से रूम टूर भी दे देती हूँ. And there's an infinity pool also at the 31st floor. तो वहाँ शाम को या फिर कल सुबह चलेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. और ये जो होटल है इसकी प्राइस मुझे हर दिन के हिसाब से पड़ी 4,000 रुपये बट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट इस पर. सो इट्स अ डे वन इन कुआलालंपुर और अभी तक हम एक्वेरिया KLCC जाके आ चुके हैं और अभी वी आर गोइंग टू द KL टावर. सो लेट्स सी वहाँ से कैसा व्यू आता है. The building over here is a skyscraper.
क्वालालंपुर भी कहा जाता है एंड ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशंस है क्वालालंपुर की. इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट टेली कम्युनिकेशन टावर्स इन द इंटायर वर्ल्ड एंड इट स्टैंड्स टॉल एट अ हाइट ऑफ अबाउट 4,291 meters. और इस पूरे टावर को देखने के तीन तरीके होते हैं. पहला होता है ऑब्जर्वेटरी डेक. सो बेसिकली टावर से पूरा एरियल पैनोरामिक व्यू लेने के लिए आप ऑब्जर्वेटरी डेक जा सकते हो, बट इट हैपन्स इन अ क्लोज्ड कंपार्टमेंट जहाँ पे बाइनोक्यूलर्स वगैरह लगे हुए हैं और आप अच्छे से पूरा स्काईलाइन का व्यू ले सकते हो. दूसरा होता है स्काई बॉक्स, जो बिल्कुल आप मेरे पीछे देख रहे हो. तो वहाँ पे पूरा ग्लास की फ्लोरिंग हो रखी है. आप वहाँ पे जाके खड़े होके यू कैन एंजॉय द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द पेट्रोना टावर्स, पर वो सिर्फ 45 सेकेंड्स के लिए आपको फोटोज़ या वीडियोज़ लेने देते हैं. ऐसे दो स्काई बॉक्सेज हैं तो आप वहाँ जा सकते हो. और तीसरा होता है स्काई वॉक या स्काई डेक, जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ. तो यहाँ पे आप कितनी भी फ़ोटोज़, वीडियोज़ और कितनी भी देर तक इस ब्यूटीफुल स्काई लाइन को इन्जॉय कर सकते हो. और मेरी टिप आपको ये रहेगी कि ट्राई करिए कि यहाँ पे जितना जल्दी आ सके द बेटर, क्योंकि स्पेशली सनसेट के टाइम पे जब यू नो द पूरा जो स्काई लाइन है इट्स ब्यूटीफुली लिट अप, बहुत ज़्यादा रश होता है. तो जितना जल्दी आएंगे द बेटर. सो इस टावर में आप टावर वॉक भी कर सकते हो. सो बेसिकली आपको इक्विपमेंट्स पहना के और टावर के एजेस के आसपास वॉक कराते हैं. यहाँ पे एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी है जिसका नाम है द एटमॉस्फेयर. अगर आप उसकी टिकट बुक करते हो, एज एन अगर आप वहाँ पे मील लेते हो, तो यू डू नॉट हैव टू परचेज अ सेपरेट एंट्री टिकट फॉर द ऑब्जर्वेटरी डेक. आप वहाँ पे आराम से खाना खाते खाते पूरा एरियल व्यू इंजॉय कर सकते हो. डन विद द केएल टावर. इतनी ज़्यादा धूप है कि आज तो हमने टावर वॉक नहीं किया. लेट्स सी, अगर वेदर परमिट करता है तो मे बी कल आके हम लोग टावर वॉक भी कर सकते हैं. इसका जो प्राइस है वो है 40 ringgit पर पर्सन एंड अभी दिस कोकोनट शेक इज टू डाई फॉर. जालन रखियार. और इस गेट को क्रॉस करने का मतलब है दैट वी हैव एंटर्ड लिटिल इंडिया व्हिच इज इंडिया अवे फ्रॉम इंडिया. यहाँ पे आके सबसे पहले चीज दैट आई एम डूइंग इज टू ट्राई द पानी पूरी. 5 पानी पूरी फॉर 5 ringgit. मम्मी क्योंकि आलू प्याज वगैरह कुछ नहीं खाती, तो यहाँ हमने उनको सात्विक खाना खिलाया विच वॉज इडली सांभर चटनी एंड डोसा. और उसका कॉस्ट हमको पड़ा 6 ringgit फॉर द एंटायर मील, विच इज ग्रेट. सो लिटिल इंडिया इज़ होम टू लार्ज इंडियन कम्युनिटी इंक्लूडिंग द तमिल्स, मलयालीज, पंजाबीज एंड अ लॉट ऑफ अदर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स. और इसी वजह से ये रीजन इज़ ऑल्सो वेरी कल्चरली डाइवर्स. सो पहले दिन का आखिरी स्टॉप है सूर्या मॉल. तो ये जो मॉल है ये पेट्रोना ट्विन टावर्स के बेस पर है और ये काफ़ी बड़ा मॉल है विथ ऑल दी लग्जूरियस ब्रांड्स एंड एवरीथिंग. और 8 बजे सूर्य मॉल के जिस पीछे एक KLCC पार्क है वहाँ पे फाउंटेन शो होता है विच इज़ दी वाटर सिम्फनी शो. तो वो ज़रूर देखेंगे. सो कम ऑन, लेट्स गो. क्वालालंपुर में हम ख़त्म कर रहे हैं बाय गोइंग टू द इन्फिनिटी पूल. और ये होटल के 31st floor पर है. तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं वहाँ से कैसा व्यू है. और आज हमने एक्वेरिया कवर किया, KL टावर गए, इंडिया लिटिल इंडिया गए एंड देन हमने फाइनली सूर्या मॉल KLCC पार्क में फाउंटेन शो देखा विच इज़ द वाटर सिम्फनी. सो लेट्स गो टू द इन्फिनिटी पूल. So this is the infinity pool at the 31st floor, but abhi pool is closed kyunki it's pouring. So we'll come tomorrow and then tomorrow we'll take a
dip in the pool.